जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। उद्भवो स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभां। उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सनातन धर्म में श्री राम और श्री सीता में कोई भेद नहीं। धर्म ग्रंथों में भागवत तत्व की जितनी महिमा है उससे विलक्षण श्री जी की महिमा है। श्री जी के बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान में भी पूर्णता तभी है जब उनके साथ श्री जी हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गौर तेजो बिनायस्तु श्याम तेज समर चयेत जपे द्वाध्यायते वापी स भवेत पातकी शिव। श्री राम श्याम तेज हैं और माता सीता गौर तेज, और जो बिना गौर तेज सीता के भगवान राम का जाप और ध्यान भी करता है वो पातकी है। इसलिए नाम जप की परंपरा में राम के साथ सीता नाम को जोड़कर सीताराम अथवा श्री राम का जप और ध्यान की परंपरा है। यही श्री तत्व सीता माँ का द्योतक है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि श्री राम के नव्य मंदिर में माँ सीता क्यों विराजमान नहीं है। ऐसे सवाल करने वाले न तथ्यों को समझते हैं न ही तत्व को। उनके लिए ये समझना उचित है कि भगवान श्री राम की जो प्रतिमा नव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली है वो भगवान का बाल रूप है जो 5 वर्ष के बालक का है, और वर्तमान में अस्थाई निर्माण में भी जिन बाल रूप की नित्य पूजा अर्चना होती है उसमें श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की बाल रूप में ही प्रतिष्ठा है। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ सीता इस नव्य और भव्य मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगी। दरअसल श्री राम मंदिर के पहले चरण का ही काम पूरा किया गया है और दूसरे चरण में प्रथम तल पर एक भव्य राम दरबार अपने भक्तों को आह्लादित करेगा जिसमें श्री सीताराम लक्ष्मण भैया और हनुमान जी के साथ विद्यमान होंगे। ऊपर की जो मंजिल है वहाँ जानकी जी रहेंगे, तीनों भाई रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे, उसको थोड़ा 6-8 महीने और लगेगा। रुक जाइए वहीं पर। संत जन बताते हैं कि वस्तुतः सीता और राम तत्व में कोई भेद नहीं, राम ही सीता हैं और सीता ही राम। आज भी अयोध्या में श्री सीताराम अपने नित्य 3 दिव्य विग्रहों के साथ कनक भवन में विराजते हैं और भक्त जन मस्ती में गाते हैं। कनक भवन दरवाजे पड़े रो जहां सीताराम विराजे पड़े रो। श्री सीताराम की परंपरा सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा है। वैष्णव परंपरा में 4 प्रमुख संप्रदाय श्री सीताराम श्री लक्ष्मी नारायण अथवा श्री राधा कृष्ण की उपासना के साथ जुड़े हैं। श्री संप्रदाय जिसमें श्री रामानंदीय परंपरा और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा शामिल है। विष्णु स्वामी संप्रदाय जिसमें वल्लभाचार्य जी प्रमुख संत रहे जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ की सेवा में रहे। ब्रह्म संप्रदाय जिसमें उडुपी के माध्वाचार्य जी प्रमुख इस परंपरा में माध्व गौड़ी से जुड़े श्री पदुपाद इस्कॉन के प्रमुख हैं। सनत कुमार से जुड़ा निम्बार्क संप्रदाय जिसमें द्वैताद्वैत सिद्धांत को केंद्र में रखा गया। श्री अयोध्या धाम में सबसे ज्यादा संत श्री रामानंदीय परंपरा और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा से जुड़े हैं। ये दोनों ही परंपराएं श्री परंपरा का ही हिस्सा हैं। संत रामानंदाचार्य जी कलयुग में श्री राम के अंशावतार माने जाते हैं और संत रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मण के अंशावतार। द्वैत वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म के रूप में अनुभव किया जाता है जो ज्ञान स्वरूप है और वो विभू है। तो इस प्रकार से जीव और ब्रह्म का अभेद और परमात्मा के निर्गुणत्व का प्रतिपादन ये मूल सिद्धांत अद्वैतवाद का है। लेकिन उनके यहाँ 2 सिद्धांत, एक पारमार्थिक सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म अद्वैत अखंड एकमात्र ब्रह्म तत्व ही है और ब्रह्म के अतिरिक्त माया इत्यादि जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन व्यवहार में जीव और ब्रह्म का भेद बना रहता है। व्यवहार में जीव ब्रह्म की उपासना करता है, आत्मोपासना ही उसको कही जाए, और विविध देवताओं की उपासना से सात्विकता को प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत भगवान श्री शंकराचार्य ने अनुभव किया और उनका जो अनुभव रहा उस अनुभव को उन्होंने लिपिबद्ध किया, परवर्ती आचार्यों ने उसका पोषण किया और उसको आगे बढ़ाया। यह परंपरा वेदांत की भगवान शंकराचार्य की।
विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में तीन तत्व स्वीकार किया गया, ब्रह्म तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, और ये तीनों तत्व नित्य हैं। ब्रह्म भी नित्य है, जीव भी नित्य है और माया भी नित्य है, जिसमें माया और जीव ये दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं। ब्रह्म और जीव का विशेषण विशेष स्वभाव संबंध है, तो ब्रह्म जीव और माया रूपी विशेषण से विशिष्ट है, इसलिए वो विशिष्टाद्वैत है। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जीव और ब्रह्म और माया तीन तत्व को तत्वत्रय का सिद्धांत स्वीकार किया है। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर महर्षि ने वेदव्यास में पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में इन तीन तत्वों का जो वर्णन किया है, यह सब पौराणिक विषयों को लेकर, वैदिक सिद्धांत को लेकर तत्वत्रय का सिद्धांत भगवान श्री रामानुजाचार्य ने स्थापित किया, इसी का नाम विशिष्टाद्वैत है। और विशिष्टाद्वैत मत में जीव सदा भगवान का दास है, दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, और जीव भगवान के चरणों की भक्ति करके, आत्मसमर्पण करके भगवान के नित्य लोक को, वैकुंठ को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है और समस्त दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाती है, सारे दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। तो यह वैकुंठ की प्राप्ति, भगवत पादारविंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, और वहाँ भी वैकुंठ में भगवान के चरणों में पहुँचकर वह जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कैंकर्य करता है, भगवान की सेवा करता है, यही जीव का धर्म स्वीकार किया भगवान श्री रामानुजाचार्य। रामानंदाचार्य जी की ही परंपरा में वर्तमान में श्री रामलला की पूजा अर्चना की जाती है और आगे भी जारी रहेगी। उन्हीं के परंपरा में कबीर, तुलसी, रविदास जन जन में भक्ति का प्रसार करते रहे। आज भी माँ सीता भक्तों के हृदय में भक्ति के रूप में ही विराजती हैं और श्री तुलसीदास विनय पत्रिका में माँ सीता से विनय करते हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुदिद्याई भी कछ करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझी है सो है कौन कहीं भी नाम दसा जनाई, सुनत नाम कृपाल के मेरी बिगरियो बन जाए। तुलसीदास जी सीता माँ से प्रार्थना करते हैं। नेपाल से प्रसिद्ध नदी जहाँ से शालिग्राम भी आई हुई है, काली गंडकी से यहाँ पे राम लला का मूर्ति बन रहा है जिससे शालिग्राम आई हुई है, उस नदी का भी जल है, कर्णाली का है, आपका ये बरहा क्षेत्र का नदी है, उससे है कमला, बिमला, दूध कोसी, गंगा सागर, बागमती, ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो सिलेक्टेड जो प्रख्यात नदी है, उस नदी से जल कलेक्शन करके हम लोग इसमें लेकर आए हैं। पवित्र जलयात्रा के साथ साथ नेपाल के जनकपुर धाम से चली भार यात्रा भी श्रीधाम अयोध्या पहुंच चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से उपहार भेजे गए हैं। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता की जन्मस्थली से श्रीराम की जन्मस्थली यानी अयोध्या तक 1100 टोकरियां लेकर 251 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा तो भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश थीं। उन्होंने कहा कि सीता माँ उनकी बहन है और वो अपने जीजा श्री राम के घर आई तो बहुत है उत्साह है कि हम लोग जानकी जी के यहाँ से राम जी के यहाँ हम लोग आए हैं भार लेकर। हम लोग इतना उत्साहित हैं, मेरी जनकपुर की बेटी टेंट में रह रही थी, हम लोग एकदम खुशी से जब उनका एक महल बन गया, उनका घरवास होगा, गृह प्रवेश होगा, तो उसमें कितना चूड़ा दही पान मखान जो मिथिला का होता है, पाग चुनरी साड़ी सूप धनिया कर्मी का साग सोना चांदी का बर्तन बर्तन आभूषण उनका बर्तन वो सब मतलब उनके जो तो हम लोग से हुआ नहीं, लेकिन जो शक भरा है हम लोग उनके लिए उत्साहपूर्वक प्रेम भाव लेकर, वो तो आम बात है, हम लोग पूरा तन मन धन उनको देने के लिए आ गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पूर्व मिथिला की परंपरा के अनुसार रथों से मेवा और चांदी के बर्तन, तीर धनुष, खड़ाऊं, फल फूल आदि खाद्य सामग्री सहित कई अन्य वस्तुएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। नेपाल का जनकपुर ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र 1000 टोकरों में भार लेकर आया, अन्न है, फल है, वस्त्र हैं, मेवे हैं, सोना चांदी भी है। उसके बाद सीतामढ़ी के क्षेत्र के लोग आए, वो भी मिथिला है जहाँ माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहाँ एक पवित्र स्थान है, वहाँ से लोग आए। मिथिला का रस अद्भुत है जो आज अयोध्या धाम में भी स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ के कनक भवन में यह रस दिखता है संतों की आंखों में। मिथिला जो भगवान की ससुराल है, वो धरती जहाँ के लोग परब्रह्म को विवाह संस्कार के समय प्यार की गारी सुनाते हैं, भगवान को अपना पहुना मानते हैं।
और तो और मिथिला वालों ने भगवान को अपनी मैया सीता के साथ कभी विदा ही नहीं किया। भगवान को कोहबर बिहारी के रूप में मिथिला में ही बसा लिया। राम कभी मिथिला छोड़कर गए ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण अपने प्राण प्यारे वृंदावन वासियों को छोड़कर यहाँ की सीमा से कभी बाहर नहीं जाते। भगवती माँ बहुत प्रसन्न होंगी। एक बड़ा सुंदर भाव वहाँ का आता है जब प्रभु श्री राम पहुँचे हैं विवाह करने के लिए, तो सर्वविदित है कि कोई विदा करने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ तक ये है कि जनकपुरवासी उनसे नाता जोड़ रहे हैं कि हमको भी लेके चलिए। बड़ा सुंदर पद है वो कि जौन मजा विदेह नगर, विदेह मतलब कि जनकपुरी, वो यहाँ पर जो मजा है वो कहीं ना, ए पहुना यही जा रहू ना। आपने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही कि जो मतलब जो भाव विदेह नगर में है वो देह नगर में कहाँ है, यानी जो आध्यात्मिक रूप से भगवान राम को जानते हैं वो इस संसार से उनको क्या खास मतलब है। लेकिन भगवान राम जो कि धर्म स्वरूप हैं, सिर्फ वही प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं 22 जनवरी को, माँ जानकी स्वयं भक्त स्वरूपा जो हैं वो भी जन जन में प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन निकेत के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज़। सूरजकुंड और भरतकुंड के बाद अब हम आ चुके हैं गिरजाकुंड। जैसा कि आपको पता है कि 148 आध्यात्मिक केंद्रों का चयन किया गया है पूरी अयोध्या में, जिनके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। और आप ये देख रहे हैं जनौरा गांव। जनौरा गांव कहा जाता है कि महाराज जनक जी यहां पर आकर बसे थे। और भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि आप कभी भी अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीते। तो चूँकि अयोध्या माँ सीता की ससुराल हो गई और जनक जी यहाँ का पानी नहीं पी सकते थे, तो मौजा कहा जाता है, कई गांवों का एक समूह जिसको मौजा कहा जाता है। तो यहाँ पर कई गांवों के समूह को एक मौजा महाराज जनक ने खरीद लिया। खरीदने के बाद वो यहाँ आकर के बसे और उसके बाद उन्होंने यहाँ का पानी पिया, और इसलिए ये गांव जनौरा जनक के नाम से ये गाँव जानकीपुर कहा जाता था। और आप कह सकते हैं कि ये अयोध्या की मिथिला है, अयोध्या का जनकपुर। और आप देख रहे हैं ये सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। ये जो गिरजा कुंड है, जहाँ पर पहले स्थिति काफ़ी ख़राब थी, अब आप देखिए एक माता जी हैं जो मछलियों को दाना खिला रही हैं, एक माता जी उधर हैं जो कि जो बत्तख हैं उनको दाना खिला रही हैं। यहाँ पर जो चार स्तंभ आप देख रहे हैं, चारों स्तंभ पे छतरियाँ लगाई जाएंगी। और उस तरफ अगर आप देखते हो तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर है विश्राम घर। तो गिरजा कुंड के पास ही लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था है, और सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है, और दिन रात ये जो काम है वो लगातार जारी है। लेकिन ये जगह अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, श्री मंतेश्वर महादेव का मंदिर भी है ये। और कहा जाता है कि जनौरा गांव जो कि महादेव यहाँ पर मंतेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं, और जहाँ भगवान शिव हैं वहीं पर भवानी भी हैं, और उन्हीं के नाम से एक तरह से ये गिरजा कुंड जो कि आध्यात्मिक केंद्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ का भी जो विकास कार्य है, अब इस मंतेश्वर महादेव का भी विकास कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे निर्माण कार्य से जुड़ी वस्तुएं यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर हम पहुँच चुके हैं गाँव जनौरा। हमारे साथ बबलू सिंह जी। बबलू सिंह जी, क्या ये रघुवंशियों का गाँव है? सूर्यवंशियों का गाँव है, पूरा गाँव सूर्यवंशी का है। ये 90 गांव सूर्यवंशियों का है भाई साहब। हाँ, मैं आपको बता दूं, हम उन्हीं के वंशज हैं, राम जी के वंशज हैं हम लोग। हो, अब ये कुंड की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा बताइए पहले। भाई साहब, ये कुंड की वो स्थिति थी जो कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। आज वो स्थिति हो रही है जो सोचने हम लोग मजबूर हो गए हैं कि क्या हो गया, कि इतना बड़ा काम हो रहा, कैसे हो रहा, कहाँ से हो रहा, सब प्रभु जी की इच्छा से ही हो रहा है। और हमें लग रहा है कि इसमें बाबा का योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो अधिग्रहण किया गया जमीन का, तो फिर क्या मुआवजे वगैरह की क्या स्थिति रही? नहीं, मुआवजा इन्होंने मन मुताबिक दिया है, और खिलाफ पार्टी चाहे जो हो जैसे भी हो,
मगर इन्होंने मुआवजा सही दिया है। जैसे मेरे सामने एक मकान वहाँ पर टूटा हुआ है, तो उनको कितने पैसे मिले होंगे अगर आपको समझा? लगभग 40 से 42 लाख रुपया इनको ठाकुर साहब हैं, ये उनकी जमीन थी, यहाँ पर जमीन खरीद के उन्होंने बनवाया था, तो इन्होंने 40 से 42 लाख रुपया गवर्नमेंट ने इनको दिया है। और जो लोग मान लीजिए जिनके पास जमीन नहीं थी और कहीं बस गए झुग्गी झोपड़ी वाले, उनके लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था उनके लिए ये किया है, जहाँ ग्राम समाज था या नजूल था उनको ले जाकर एक एक हिस्सा जमीन देकर और उनको ये 2,40,000 रुपया वाला जो पीएम आवास तौर पर उनको वहाँ बसा दिया गया, और ये जो नहीं बसे उनको बसाया जा रहा। गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस जगह खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो बबलू सिंह जी बहुत धन्यवाद बताने के लिए सारी चीजें, लेकिन आपको तो गर्व होता होगा कि आप सूर्यवंशी हैं। क्या बताएं, अब तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। हाँ, जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो काम जो है उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने जो किया है, पूरा फैजाबाद नहीं, इसको इन्होंने ओरिजिनल अयोध्या ही बना दिए, और अयोध्या मैं हो गया। आपको 3 से 4 साल के बाद पूरा अयोध्या, आप कोई नया रिश्तेदार आएगा तो वो भी ये नहीं बता सकता है कि ये जो है ये अयोध्या फैजाबाद है। बिल्कुल सही कहा, विकास हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो विकास है नई अयोध्या का, वो देश की विरासत को पूरी दुनिया तक ले जाने का काम कर रहा है। और मेरे पीछे आप गिरजा कुंड का जो सौंदर्यीकरण का काम देख रहे हैं, वो उसी का एक प्रतीक है। कैमरामैन रमाकांत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, जनौरा गांव, श्री अयोध्या धाम। श्रीधाम अयोध्या में इस वक्त इतना आनंद बरस रहा है और पूरे देश और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग कहाँ पीछे रहते, त्रिफला जी जो कि बहुत ही मशहूर लेखक हैं, सौभाग्य से हमें मिल गए हैं। त्रिफला जी कुछ हो जाए, क्योंकि आपने कई सारी पुस्तकें लिखी भगवान राम के ऊपर, कुछ हो जाए। इस सरयू के तट से डट कर हट कर सरपट बोलना चाहता हूँ, कपट पर डपट कर थोड़ा छपट रहा हूँ। अब मार्केट की सेना सामने है, विकट परिस्थिति भी है, लेकिन हम आपके निकट हैं, लटक नहीं रहे हैं, संकट दूर कर रहे हैं। जबरदस्त अनुप्रास अलंकार आया। अनुप्रास ऐसा है, ब्रास है, ये त्रास को खत्म करता है। हम यहाँ निवास पर है, इस भावोच्छ्वास में आप उदास नहीं हो, अपने आप यहाँ तमाम दास पास हो चुके हैं। अब मैं घास की तरह लाश जैसा बिछा हुआ हूँ, आज अंतरंग में आपके संग जंग लेता हुआ, थोड़ा तंग जरूर हूँ, लेकिन प्रसंग में राम कोई कटी पतंग नहीं है, उसमें हमारा उमंग भरने की का एक तरीका है। मैं सरहंग नहीं हूँ, न तो बेतरंग हूँ, लेकिन यंग मानसिकता वालों को आह्वान करता हूँ कि आप ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। अब क्या कहा जाए कि ईश्वर हो जाए, तो पहले एक छंद तो आप कजरी ले लीजिए, न कजरी एक छंद, विश्व की बेजोड़ कजरी पढ़ने जा रहे हैं, और कजरी जो पजरी मजबूत कर देती है, मिर्जापुर की है कजरी, जब पजरी बोई जाती है तो कजरी शुरू हो जाती है। सुनिए कि झिमिर झिमिर रस रस पड़े पानी जी, बादल बरसा रानी जी ना, झिमिर झिमिर रसे रसे पड़े पानी जी, बादल बरसा रानी जी ना, कि घेरे बादल घन घोर, चपला चमक चारी ओर, बिग्या बखरी सरा बोर, पुरवा झोंके झक झोर, अरे बनवा नाचत बाट मोर मनमानी जी, बादल बरसा रानी जी ना, घन घमंड घमासान, कोयल के की कूल कान, बजरी अरहर उड़द धान, कोक कुंद कुमुद पान, मचला मक्का मकान, मोतियानी जी, बादल बरसा रानी जी ना, चटर पटर चटपटात, कलल मलल कल कलात, लहरा लहरी लहलहात, पानी आवत बा देखात, भीजल नगर उदेहात, पानी पानी जी, बादल बरसा रानी जी। अनुप्रास, अनुप्रास का तो आपने एकदम झड़ी लगा दी, जबरदस्त त्रिफला जी। लेकिन आपके एक शिष्य हैं, आज शिष्य हैं, और आपने गजब नाम रखा है, इनका क्या नाम है? टनाटन मिश्रा जी। अरे बाप रे, टनाटन मिश्रा। देखिए, अब कजरी से आगे नहीं जाना है, कजरी पे ही ये कहानी है, तो अब आपकी जुबानी एक कजरी हो जाए जो कि मेरे मिर्जापुर से आती है, भगवान श्री राम के नाम। टनाटन मिश्रा जी, सरयू किनारे पर ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कजरी पे आता हूँ कि यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है अयोध्या धाम में, कि राम जन्म भूमि दर्शन कराय दपिया,
कि राम जन्म भूमि दर्शन कराय दपिया और पूरी घुमाय दपिया नाय, राम जन्म भूमि दर्शन कराय दपिया और पूरी घुमाय दपिया नाय। प्रथम सरयुआ स्नान दूजे नागेश्वर के ध्यान, लड्डू चढ़े गढ़ी हनुमान भक्तन बीच के प्रधान, अयोध्या पुरी के बखान तनी सुनाई दपिया और पुरी घुमाई दपिया नाय, राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया और पुरी घुमाई दपिया नाय। आप यहाँ से सीधा उत्तर सरयुग जाएंगे तो वहाँ राजा दशरथ ने पुत्र से यज्ञ किया था मखधाम मखौड़ा, जो 84 कोसी के अंतर्गत आता है, कि सिंगी ऋषि मखौड़ा धाम, सिंगी ऋषि मखौड़ा धाम, जब तब संयम आठोयाम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम, कर गए जग का सारा काम, उनको बारंबार प्रणाम तनी कराई दपिया और पूरी घुमाई दपिया नाय, राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया और पूरी घुमाई दपिया नाय। कि देखा राम जन्म भूमि, जिसके लिए सब ये आज दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या सजी हुई है, कि देखा राम जन्म भूमि, भक्त लेते नित्य चूम, झूम झूम जाए घूम, चरण कमल पिष्ट भूम, सिद्ध संतन से हमका मिलाई दपिया और पूरी घुमाई दपिया नाय, राम जन्म भूमि दर्शन कराई दपिया और पूरी घुमाई दपिया नाय। देख लीजिए भैया कि कितने सहज भाव से ये जो वेदांत का गूढ़ रहस्य है यहाँ पर आराम से लोग सहज भाव से सरल भाव से लोग बता लेते हैं। और यहाँ पर जो संत हैं वो तो कहते हैं सरल का अर्थ ही बहुत ही सरल है, स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण, हो गया सरल का अर्थ। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय।